देखिए क्या रहा है कि इफ एफ वन इक्वल टू में है फोर, एफ डैश वन इक्वल टू में है टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ लॉग ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो लॉग है तो वन बाई आ जाएगा यहाँ पर एफ ई टू द पावर एक्स, एफ ई टू द पावर एक्स का एफ डैश ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। हमें क्या देखना है, एट एफ एफ वन इक्वल टू में फोर और एफ डैश वन इक्वल टू में टू, ये दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, जीरो पर देखना है, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड ये चीज लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना पर, यहाँ पर हमें जीरो पर चेक निकालना था, तो हो जाएगा वन बाई एफ ई टू द पावर जीरो, एफ डैश ई टू द पावर जीरो एंड ई टू द पावर जीरो। चलिए तो ये वन बाई एफ वन हो जाएगा, एफ डैश यहाँ वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश वन का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया है टू और एफ वन का दिया है फोर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा टू और नीचे हो जाएगा फोर, कट जाएगा वन बाई टू, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं।